बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपना ख्याल भी रखते होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स। सो हरी ओपन योर बुक्स एंड कम टू पेज नंबर 10। हमने 9 तक कर लिए थे और 10 का हाफ पार्ट भी कर लिया। नीचे आपका आ रहा 10 पे पेज नंबर पे वर्ड्स प्रॉब्लम। सॉरी, ये आ गया। आप आई होप ये आपको क्लियर होगा। वर्ड्स प्रॉब्लम आपने जैसे इनको पढ़ना है, देखना है इसमें हमें क्या करना है इसका, ठीक है। रीड द प्रॉब्लम्स केयरफुली, डिसाइड वेदर यू शुड ऐड आर सब्ट्रैक्ट टू सॉल्व देम, राइट कंप्लीट स्टेटमेंट्स। आपने क्या करना है, जस्ट इसको रीड आउट करना है और आपने देखना है कि इसको ये सब्ट्रैक्ट हम कर करेंगे या इसको हम ऐड करेंगे। टू इजी, हम फोर्थ क्लास में आके अगर सब्ट्रैक्ट और ऐड वाले क्वेश्चन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें ना आए तो फिर ये कैसे पॉसिबल है। तो देखें, अ फैक्ट्री मेड 64,750 जूट बैग्स ऑन मंडे एंड 51,060 मोर ऑन ट्यूजडे। पहले इतने, फिर मोर मीन्स उसमें और इतने ऐड हो गए, मीन्स हमने इस दोनों को प्लस करना है। हम कैसे लिखेंगे आप क्वेश्चन में, आप ऐसे आप पहले भी आपको बताया है, राइट हियर डे, डेट इज मंडे पे आपकी डेट बनेगी HW, इधर आ जाएगा आज की डेट क्या है 29th जून, और डे आपका बन जाएगा मंडे, ठीक है। टॉपिक आप लिख लें, वर्ड प्रॉब्लम्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लिखें, अ फैक्ट्री मेड, उन्होंने साथ लिखा है राइट कंप्लीट स्टेटमेंट, तो हमने स्टेटमेंट भी साथ लिखनी है। अ फैक्ट्री मेड बैग्स, जूट बैग्स है तो हम जस्ट बैग्स लिखते हैं। फैक्ट्री मेड बैग्स ऑन मंडे है, ठीक है, ऑन मंडे। आपकी शायद लाइन में स्पेस थोड़ी बच जाए, तो ऑन मंडे पे उसने कितने बनाए, 6,070 ऐसे, ठीक है, 64,750। अगेन लिखेंगे, मोर बैग्स ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे पे कितने ऐड हो गए जी, 51। इसको आप जस्ट उसके नीचे लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन भी इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। और आई होप कि आपके पास जो होंगी वो हैं ब्लॉक्स वाले यूज़ कर रहे हैं तो और इजी रहेगा। अगर ब्लॉक नहीं है तो तब भी आपने उसके नीचे ही लिखना है। हमने जस्ट एडिशन करनी है, जस्ट आप इसकी स्टेटमेंट लिखे, ठीक है। अब ये देखें, 0 में प्लस 0 किए इज इक्वल टू 0, 5 प्लस 6, 6 के बाद 5 और ऐड कर तो 11, 1 इसका कैरी चला जाएगा। 7 प्लस 1, 8 प्लस 0, 8, 4 प्लस 1, 5, 6 प्लस 5, 11। तो कितने बैग्स बने, इतने बैग्स, यही आपका आंसर है। इसको आपने ऐसे करना है, साथ इसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, सब पूरे आपके पास 7 क्वेश्चन है पेज नंबर 10 और 11 पे, ये आपने दोनों करने हैं। लेकिन जिस मैं आपको बता देती हूँ आपने इसे प्लस करना है माइनस, लेकिन आप इसकी स्टेटमेंट भी शॉर्टकट लिखेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट में देखें, इन एन इलेक्शन मिस्टर कमाल गॉट इतनी वोट्स एंड मिस्टर आबिद गॉट हो गॉट मोर वोट्स एंड हो मैनी मोर। अब देखना है कि किसने ज़्यादा ली, तो हमने क्या करना है, माइनस करना है। अगर तो हम ऐड करेंगे तो दोनों की प्लस हमें पता नहीं चले किसने। मैं बोलूं कि सायरा ने मैथ्स में 90 मार्क्स लिए, ठीक है, और जो है दूसरा कोई बॉय ले लें, अली ने मैथ्स में 95 लिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अली ने कितने लिए, कितने ज़्यादा लिए और सायरा ने कितने कम लिए। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। इसी तरह हम जब वोट्स देखनी है किसने ज़्यादा ली, तो हम जो देखें जो ग्रेटर वाली ये है इसको हम ऊपर रख के इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई लाइब्रेरी हैज़ डैश बुक्स टू ऑफ इंग्लिश एंड डैश बुक्स ऑफ उर्दू, वॉट इज़ अ टोटल नंबर। जहाँ पर टोटल आता है मीन्स आपने इसको ऐड करना है, आपने भी इसको एडिशन करनी है इसका, इसको आप प्लस कर लेंगे, इसको आप माइनस, फर्स्ट वाले को भी आप प्लस करेंगे। फोर्थ पे आ जाएगा, शॉपकीपर अर्न डैश मनी इज 1 ईयर इफ ही एक्सपेंसेस फॉर द सेम ईयर वर इतने, हो मच मनी डिड ही सेव, तो उसने कितनी मनी सेव की, तो क्या होगा कि हमने इसमें भी माइनस करना है।
मैं बोलूँ कि मेरे पास 600 रुपीज़ हैं, तो मैंने इस ईयर में 400 स्पेंड कर दी है, मैंने शॉपिंग कर ली है, तो मेरे पास कितने बचे? तो आप क्या बोले, एकदम से आप 600 में से 400 माइनस करके बोलेंगे मैम आपके पास 200 बच गए, तो हम इसमें भी माइनस करेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे डिफरेंस है तो माइनस आपने करना है, लेकिन आपका क्या 4 डिजिट्स, लार्जेस्ट वाला 4 डिजिट कौन सा होता है? 9999, क्योंकि इसके बाद 1 भी ऐड करेंगे तो 5 वाला बन जाएगा। एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट कौन से होते हैं? स्मॉलेस्ट 6, तो आप 6 आप इसमें 9 लगाएंगे, 3 और 3 आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। अ मैन बॉट अ हॉर्स, इतने का हॉर्स उसने लिया, ही सोल्ड इट इसने में लेस देन द कॉस्ट प्राइस, हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर। क्या हुआ, एक आदमी ने एक हॉर्स लिया, उसने इतने में उसको हॉर्स को बेच दिया, तो हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर, तो उसने कितना लिया, इसको भी हम माइनस करेंगे, पता चल जाएगा उसको कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ अपने हाउस में। ठीक है, उसने हाउस लिया, फिर उसने हाउस को सेल कर दिया, तो हम देखेंगे उसके हाउस में कितनी उसको प्रॉफिट या लॉस हुई, तो हम उसमें माइनस करेंगे। लास्ट वन इज अ स्कूल इन द विलेज नीड्स 4 लाख रुपीज फॉर न्यू बिल्डिंग, मिस्टर अब्दुल डोनेटेड 1,50,000 रुपीज, हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड। उनको चाहिए जी 4 लाख, तो मिस्टर अब्दुल ने डोनेट कर दिया जी 1,50,000, तो हम क्या करेंगे अब इनको और कितनी चाहिए है मनी, तो हम इसको भी माइनस करेंगे। लेकिन आपने ये क्वेश्चन करने पे नंबर 10, 11 दोनों वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्वेश्चन टोटल आपके जस्ट 7 है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। और आपने इसके साथ स्टेटमेंट भी लिखनी है, तो यही आपका होम टास्क है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।